राक्षस का भी खौफ है और ऐसे सुनने में जा रहा है कि खौफ एक और बढ़ चुका है हमारे शो में नरसिम्हा का। तो अब राक्षस भी किसी के शरीर में है फिलहाल और नरसिम्हा भी किसी के शरीर में है, कौन किसके शरीर में है, कौन अटैक कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर जब तक मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ तब तक ऑलरेडी कुछ बुरा हो जाता है। इसीलिए डर सा लगता है कि एक और परिवार का हिस्सा, एक और फैमिली मेम्बर ना खो दूँ। तो ऋषभ भी कहीं ना कहीं डरे हुए थे और आप उन्हें संभालने की कोशिश करी आज भी? हाँ, ऋषभ एक्चुअली बहुत मुश्किल से बाहर निकला है और इसलिए वो थोड़े से एक सदमे में है। कहते हैं ना वो पागलपन टाइप का छाया हुआ है उसके ऊपर, तो वो कहते जा रहा है कि जैसे हमको कुछ सॉल्व करनी है कोई मिस्ट्री, तो हम बोलते कि नहीं मुझे सॉल्व करना ही है, करना ही करना है, पर हालत नहीं है करने की, तो इसलिए मैं उसे रोकती हूँ और उसे वापस सुला देती हूँ। तो वो बहुत टेंशन में है, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, सब घर में टेंशन में एज यूजुअल, लेकिन इस बार लेकिन कहीं ना कहीं आपको मोहिनी का सच पता चल जाता है, आपको मारने की साजिश वापस से अच्छी। क्या साजिश? मारने की साजिश। तो हर एपिसोड में मुझे मारने की साजिश होती है, इसमें कोई बात नहीं है। आई थिंक सब मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बचती तो मैं ही हूँ तो पता नहीं। लेकिन हाँ, माँ की सच्चाई पता चली तो वो सुन के बहुत सदमा लगा। एक एक चेहरे की सच्चाई पता चलती और सबके चेहरे के ऊपर चेहरा छुपा हुआ है, सब जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो अब किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरे घर में अगर मैं सिर्फ एक ही इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और वो है ऋषभ, तो आई होप वो कभी मुझे धोखा ना दे। हमें ये भी सुनने में आया कि नरसिम्हा जो है वो अब आपका साथ देगा कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आगे जाकर, तो कहीं ना कहीं सुनने में आया, ये तो हमको सुनने में नहीं आया, हमने सुना है, हमने पता लगाया है। अभी तक तो पता नहीं है कि नरसिम्हा मेरे साथ है कि मेरे खिलाफ है, लेकिन जब पता चलेगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू।